सी प्लस प्लस लेवल अप स्किल्स बाय जाहिद इकबाल। ये हमारा 14th ट्यूटोरियल है जिसमें हम डू वाइल लूप कवर करेंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डू वाइल लूप का बेसिक सेंटेक्स देख लेते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने बेसिक सेंटेक्स लिखा है, डू प्रिंट आउट समथिंग, उसके बाद वाइल कंडीशन। तो इसमें सबसे पहला काम होगा ये कि इसमें पहले हम कोई फंक्शन प्रिंट आउट करवाएंगे, कोई स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवाएंगे। कहाँ तक प्रिंट आउट करवाएंगे वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वाइल कंडीशन इज़ ट्रू। तो इसमें एक चीज़ और करने वाली है कि सबसे पहले प्रिंट आउट चीज़ होगी कहाँ तक होगी ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे एक एग्जांपल लिखी है, इंट ए इज इक्वल जीरो, डू यानी कि मुझे प्रिंट आउट करवा दे ए की वैल्यू को और इंक्रीमेंट के साथ, जैसे पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा था 0, 1, 2, 3, 4। कहाँ तक करेगा? जब तक कंडीशन ट्रू हो जाए, और कंडीशन क्या है, ए इज़ लेस देन 5। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले वो वैल्यूज प्रिंट आउट करवाएगा। कहाँ तक प्रिंट आउट करवाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। डेव सी प्लस प्लस में प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर आपको अच्छे से आइडिया होगा कि इसका क्या मतलब है और ये किस तरह से वर्किंग करता है। तो यहाँ पे हम अपनी न्यू फाइल बनाएंगे और यहाँ पे मैं अपना बेसिक सेंटेक्स लिखूंगा। ये मैंने बेसिक सेंटेक्स लिख लिया, इसे हम सेव करते हैं डू व्हाइल लूप के नाम से। तो जो स्लाइड में एग्जांपल देखी थी उसे हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह वर्किंग करेगा। तो पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट ए इज इक्वल ज़ीरो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डू डू में हम कमांड दे रहे हैं कि मुझे प्रिंट आउट करवा दो ए की वैल्यू। ये हमें प्रिंट आउट करवा के देखा ए की वैल्यू को, और इन्फिनिट लूप से बचने के लिए हम यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो एंड सो ऑन। लेकिन कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि 0 से तो शुरू हो गया 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा? तो हम कंडीशन लगाएंगे कि वहाँ तक एग्जीक्यूट करे जब तक ए की वैल्यू लेस देन 5 है। तो इसे करते हैं सेव, कंपाइल एंड रन। तो देखिए हमारी आउटपुट आई 0, 1, 2, 3, 4। तो वाइल लूप में भी हमारी आउटपुट यही आई थी। तो फिर डू वाइल लूप में और वाइल लूप में मेजर डिफरेंस क्या हुआ? द मेजर डिफरेंस इज, जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि सबसे पहले ये प्रिंट आउट करेगा, प्रिंट आउट करवाने के बाद कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। लेट्स सपोज अगर मैं कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज ग्रेटर देन 5, विच इज़ रॉन्ग, ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो अगर कंडीशन रॉन्ग है तो इसे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जबकि कंडीशन तो फॉल्स है। अगर आप यही काम करेंगे वाइल लूप में, तो वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन डू वाइल में अब देखेंगे हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन इसने एटलीस्ट एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट किया। वो कैसे? इंट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसने मुझे ज़ीरो की वैल्यू प्रिंट आउट करवा दी जबकि कंडीशन तो फॉल्स थी। तो इसका मतलब कि ये इसने पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, बाद में कंडीशन को एग्जीक्यूट किया। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, इसे मैं करता हूँ सेव, कंपाइल एंड रन। तो ये मुझे स्क्रीन पे प्रिंट आउट करवा के देखा ए की वैल्यू दैट इज़ 1, जबकि कंडीशन हमारी अभी भी फॉल्स है। वो कैसे? ए इज़ ग्रेटर देन 5, ए की वैल्यू 1 है, 1 इज़ ग्रेटर देन 5, तो दिस इज़ रॉन्ग कंडीशन। कंडीशन के रॉन्ग होने के बावजूद भी आपको स्क्रीन पे प्रिंट आउट मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट 1 टाइम इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो भी जाती है तो ये एटलीस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर होगा। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।